Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, Udaipur. आज हम थर्ड ईयर की पेपर सेकेंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर परिवार के बारे में पढ़ेंगे. परिवार का स्वरूप ग्रामीण में क्या रहता है और नगरीय परिप्रेक्ष्य में क्या रहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर परिवार का स्वरूप किस प्रकार का पाया जाता है. तो अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार एक सबसे छोटी इकाई होती है और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है. बिना परिवार के किसी भी सदस्य की हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना परिवार के कोई सदस्य रह सकता है. तो हम कह सकते हैं कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है. मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है. परिवार आपको सभी देश काल और परिस्थितियों में देखने को मिलता है. संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्नत कहा जाए या निम्न कहा जाए, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन जरूर पाया जाता है. भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करने, बच्चे के समुचित लालन पालन करने, समाजीकरण करने और शिक्षण के अंदर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. यही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है. परिवार मानव जाति के आत्मसंरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरंतरता बनाए रखने का प्रमुख साधन है. मनुष्य मरणशील है किंतु मानव जाति अमर है. मृत्यु और अमरत्व के इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है. मानव के अंदर हमेशा से सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है, अमर होने की इच्छा होती है. इसके लिए वह प्रयास करता रहता है. उसने कई उपाय ढूंढे, जड़ी बूटियां ढूंढी, रसायन और अमृत की खोज की, अनेक परीक्षण भी किए, किंतु उसे परिवार के अतिरिक्त इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आया. विवाह द्वारा परिवार का निर्माण करके संतानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है और वह मर कर भी अमर बना रहता है. वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनंत काल तक जीवित रहेगा, ये मानव सोच रहती है. हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरता है, परिवार ने उसकी सुरक्षा की है और उसी ने मानव को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की है. जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं. यही कारण है कि परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही है. मलनवस्की कहते थे कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है. यानी पशु अवस्था के अंदर भी परिवार देखने को मिलता था. मुर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित हो. यानी 250 परिवारों का अध्ययन करने पर, समाजों का अध्ययन करने पर उसने देखा कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसके अंदर परिवार रूपी संस्था उपस्थित ना हो. परिवार की अवधारणा को समझने के लिए यहाँ हम उसकी अर्थ और परिभाषा पर विचार करेंगे. ये कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने दी हैं. हमें मानते हैं कि जैसे मेकाइवरन पेज ने कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व लालन पालन की व्यवस्था करता है. यानी परिवार के अंदर यौन संबंधों को निर्धारित किया गया और ये निर्धारित किया गया कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कि बच्चों के जन्म और उनके लालन पालन की व्यवस्था की जाएगी. फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुआ, FAMULUS, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हों. अगर हम साधारण अर्थों में बात करें तो विवाहित जोड़े को ही परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही प्रयोग नहीं है.
परिवार में पति पत्नी व बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ हाउसहोल्ड कहेंगे। ये संभव है कि परिवार व गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं है। परिवार की परिभाषाओं के अंदर जो हमने पहले सबसे पहले मेकावर पेज की परिभाषा देखी, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के लिए यौन संबंध और साथ में बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था जरूरी है। और यौन संबंध के लिए स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है, यानी कि माता पिता और बच्चों का होना जरूरी है। डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है, लीगल एक्सेप्टेंस रहता है, और उनसे संसर्ग से उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करते हैं, और उनसे जो पैदा होने वाली जो संतानें हैं वो सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। लूसी वे के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि एक कपल है और एक उनकी बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो ये दोनों चीज़ें जो है उनके साथ में रहती है। ये जो परिभाषा है इनसे स्पष्ट है कि विद्वानों ने परिवार को विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया। परिवार एक समूह है, एक संघ है, और एक संस्था के रूप में समाज में सदैव विद्यमान रहता है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और दूसरा प्रकार्यात्मक फंक्शनल। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम तीन प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं। आपको ध्यान रखने की चीज़ ये है कि परिवार के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक जो कि परिवार की संरचना को निर्धारित करता है, प्रकार्यात्मक जो कि परिवार के प्रकार या फंक्शन को निर्धारित करता है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में हमने कहा कि तीन प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं, पति पत्नी के संबंध हस्बैंड वाइफ रिलेशंस, माता पिता एवं बच्चों के संबंध पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशंस, भाई बहनों के संबंध सिबलिंग्स रिलेशंस। तो जो हमारा फर्स्ट प्रकार का रिलेशन है, पति पत्नी का संबंध, वो वैवाहिक संबंध है, फाइनल रिलेशन है। जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार के संबंध जो कि माता पिता व बच्चों के संबंध व भाई बहनों के संबंध है, वो ब्लड रिलेशन है, दैट इज रक्त संबंध। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से रक्त संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, भाई बहन आपस में रक्त संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन पति पत्नी जो है वो एक दूसरे से विवाह संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो दो प्रकार के रिलेशंस हो गए, अ फाइनल रिलेशन एंड ब्लड रिलेशन। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी होते हैं, एक दूसरे के किनशिप भी होते हैं। स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक व रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है, यानी माता पिता और बच्चों का पाया जाना आवश्यक है। इन संबंधों के अभाव में हम परिवार का निर्माण नहीं मानते हैं या परिवार का निर्माण संभव नहीं है। अब हम बात करें फंक्शनल दृष्टि से, प्रकार्यात्मक दृष्टि से, तो परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखकर परिवार का निर्माण किया जाता है। परिवार का उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है, यौन संबंधों का नियमन करना, टू रेगुलेट द सेक्स रिलेशंस, संतानोत्पत्ति करना, बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना, शिक्षण व समाजीकरण करना एवं उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना। ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी प्रकार हैं, इनकी पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से बंधे होते हैं। कुछ उनको अधिकार होते हैं सदस्यों के पास, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं, तो वो अधिकारों और कर्तव्यों से आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता ये है कि परिवार समाज की संस्कृति की रचना करता है, सुरक्षा करता है, हस्तांतरण करता है एवं संवर्धन में भी योग देता है। क्योंकि परिवार में रहकर ही व्यक्ति संस्कृति को सीखता है,
उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और उसमें कुछ ना कुछ नया एडिशन करता है और ज़्यादा रिच करता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिवार को जैविक के संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, सामाजिकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। तो ये सारे के सारे इसमें परिवार के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार के एस्पेक्ट्स जो हैं, दोनों पक्ष जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं की, ग्रामीण परिवार की विशेषताओं की। तो प्रारंभ में परिवार का निर्माण प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ। मनुष्य की जो बायोलॉजिकल नीड्स थी, उन बायोलॉजिकल नीड्स के कारण उसने परिवार का निर्माण किया, जो आगे चलकर मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया। इनिशियल में जो बेस था वो बायोलॉजिकल नीड था और उसके बाद सोशियो कल्चरल नीड्स जो है उन्होंने इस परिवार के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिवार के कारण ही आज मानव जाति अमर बनी हुई है, क्योंकि आगे से आगे नई जनरेशन्स आती जाती हैं और मानव जाति अमर बनी रहती है। मानव के उद्विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप प्रकट हुए, परिवार के अनेक स्वरूप देखने को मिले। विभिन्न संस्कृतियों में हमें परिवार के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। मैकाइवर और पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा था कि परिवार वह समूह है जो कि लिंग संबंध पर आधारित होता है। ये काफ़ी छोटा व इतना स्थायी है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने के योग्य है, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चे, इतना छोटा सा परिवार होता है और ये स्थायी होता है और ये उनकी बच्चों की उत्पत्ति और उनके पालन पोषण के लिए सफिशेंट होता है, उसको हम परिवार मानकर चलते हैं। परिवार की जितनी भी परिभाषाएं हमने समझी थी, उन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। लीगल एक्सेप्टेंस जो है वो फैमिली में ही प्राप्त होती है, परिवार में ही संतानें जन्म लेती है और उनका भरण पोषण परिवार में ही किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण व नगरीय परिवारों में अंतर पाया जाता है, भेद पाया जाता है। ग्रामीण परिवार ग्रामीण पर्यावरण और कारकों से प्रभावित होते हैं। कृषि की प्रधानता एवं प्रकृति की निर्भरता पर ग्रामीण समाज की मूल विशेषताएं हैं जो कि परिवार को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण परिवार का सबसे छोटा रूप पति पत्नी और उसके बच्चों से मिलकर बनता है। समाज के विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप जो है, अनेक फॉर्म्स हैं, वो भी हमारे सामने प्रकट हुए। पशुपालन की अवस्था में जब मनुष्य जो है पशुओं को पालता था, उस अवस्था के अंदर जो परिवार थे वो मात्र स्थानीय संयुक्त परिवार थे। पशुपालन के बाद जब हल से कृषि कार्य किए जाने लगा तो पितृ स्थानीय संयुक्त परिवार आ गए। वर्तमान औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था ने केंद्रीय तथा नाभिक परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो थे, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, उनको जन्म दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं के अंदर विभिन्न कालों में परिवार का स्वरूप जो है वो अलग अलग रहा। ग्रामीण परिवार को स्पष्टता समझने के लिए हमें उसकी विशेषताओं का उनकी विशेषताओं को समझना जरूरी है। तो ग्रामीण परिवार की जो प्रमुख विशेषता है वो है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। वी कैन से डोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली और इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली, कि उसमें संयुक्त परिवार का महत्व होता है। ग्रामीण परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रधानता रहती है। ऐसे परिवारों में दो या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो हैं एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, संपत्ति सामूहिक होती है, वे सभी सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और ऐसे परिवारों में कई बार विवाह संबंधी व अन्य नातेदार भी आकर रहने लग जाते हैं। विधवा और परित्यज्ञ बहन और बेटियां भी पुनः पिता के संयुक्त परिवार में आकर रहने लगती हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों से बंधे होते हैं, यानी बहुत जॉइंट फैमिली जो है उसके अंदर उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं जो हैं ग्रामीण परिवार के अंदर देखने को मिलती हैं। कृषि प्रमुख व्यवसाय, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन।
ग्रामीण परिवारों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो कृषि कार्य में लगे होते हैं, चाहे छोटे से बड़े तक सभी परिवार के सदस्य कृषि कार्यों के अंदर अपना अपना योगदान देते हैं, इसलिए ग्रामीण परिवारों को कृषक परिवार भी कहते हैं। कृषक गृहस्थ को बल प्रदान करने में नातेदारी संबंध, सामूहिक निवास, सामूहिक भूमि तथा आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से संपन्न करना महत्वपूर्ण कारण। सारे के सारे लोग जो हैं वो एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उनकी भूमि सामूहिक होती है, उनका निवास सामूहिक होता है, इसके कारण उसमें यूनिटी बनी रहती है। परिवार की भूमि सामूहिक होने से सभी सदस्य सहयोग द्वारा कार्य करते हैं, क्योंकि एक ही जमीन होती है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को कृषि कार्य करना होता है, तो सब लोग परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना पाई जाती है। ग्रामीण परिवार एक आर्थिक इकाई भी है जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता है, यानी एक जो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, वो उसका संचालन करता है कि परिवार के अंदर जो भी आर्थिक आय होगी उस आर्थिक आय को किस तरह से वितरित किया जाएगा, किस तरह से बांटा जाएगा, किस सदस्य को कितना पैसा दिया जाएगा खर्चे के लिए, इस सब का निर्धारण जो है वो वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। सामूहिक निवास सदस्यों में समान मनोवैज्ञानिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, सबकी सोच जो होती है वो ज़्यादातर सेम होती है। फिर आता है अनुशासन एवं अन्योन्याश्रितता, डिसिप्लिन एंड इंटरडिपेंडेंट। नगरीय परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवार अधिक अनुशासित होते हैं, बड़े बुजुर्गों का वहाँ पूरा सम्मान किया जाता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है या दंड भी दिया जाता है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। अगर आप देखें तो परिवार के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और परिवार के बाकी सदस्यों को उसके निर्णयों का सम्मान करना होता है, तो उसका पूरे परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण बना रहता है। परिवार ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अतः सदस्यों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, आपस में वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बीमारी, बुढ़ापा या और कोई कठिनाई आ जाती है तो उस समय सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। नगरों की तरह गाँवों में भी विशिष्ट हितों की पूर्ति करने वाली द्वितीयक संस्थाएँ नहीं होती हैं, अतः परिवार के सदस्य ही एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि उनकी पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, द्वितीयक संस्थाएं जो होती हैं, वो ग्रामीण गांवों के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए परिवार वहां इम्पॉर्टेंट होता है। सजातीयता, होमोजेनिटी। देसाई कहते हैं कि ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक सजातीय, स्थिर, संगठित तथा सजीव रूप से कार्य करने वाला होता है। परिवार के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध शहरी परिवारों की अपेक्षा अधिक स्थिर और प्रगाढ़ होते हैं। सदस्यों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों और कार्य करने के तरीकों में समानता पाई जाती है, यानी उनकी सोच जो है उसमें समानता देखने को मिलती है। ज़्यादातर परिवार के सदस्य एक जैसा सोचते हैं, परिवार के हितों की रक्षा के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस देखने को मिलते हैं। परिवार में मुखिया की सत्ता, अथॉरिटी ऑफ हेड इन फैमिली। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, वो परिवार का मुखिया होता है और सारा का सारा परिवार की जो सत्ता होती है वो उस मुखिया के हाथ में होती है। ग्रामीण परिवार अधिक संगठित और अनुशासित होते हैं क्योंकि परिवार के मुखिया का सदस्यों पर ज़्यादा नियंत्रण होता है। एक प्रकार से उसकी परिवार में निरंकुश सत्ता होती है, यानी उसके उसने जो डिसीजन ले लिया, उसने जो निर्णय सुना दिया, उस निर्णय के बाद किसी को भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन करने की उसके अंदर नहीं गुंजाइश रहती है। परिवार का मुखिया पिता या कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, वृद्ध पुरुष हो सकता है, वही परिवार में आयु व लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है, कौन क्या क्या कार्य करेगा। परिवार के सदस्यों के विवाह संबंध बनाने हों उनका निर्धारण भी उसके द्वारा किया जाता है। संपत्ति की देखरेख उसके द्वारा की जाती है।
शिक्षा और भरण पोषण आदि सभी कार्यों का भार उसी पर होता है। ग्राम पंचायत और जाति पंचायत में मुखिया ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार से संबंधित कोई भी मसला होता है तो उसका पूरा का पूरा जो प्रतिनिधित्व है वो मुखिया के द्वारा किया जाता है। पारिवारिक विवादों को भी वही तय करता है। ग्रामीण परिवार के मुखिया की विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए A.R. देसाई लिखते हैं कि परिवार के मुखिया को परिवार के शासक, पुरोहित, गुरु, शिक्षक तथा व्यवस्थापक होने की सत्ता और अधिकार रहे। यानी वो परिवार का जो मुखिया है वो एक शासक भी है, वो एक पुरोहित भी है, वो एक गुरु भी है, एक शिक्षक भी है और एक व्यवस्थापक भी है जो कि परिवार में व्यवस्था को बनाए रख सकता है। परिवार के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। आर्थिक मसले होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने का काम करता है। तो परिवार के अंदर मुखिया की सत्ता जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोज रिलेशंस, घनिष्ठ संबंध, जैसा मैंने बताया कि परिवार के सदस्यों में, ग्रामीण परिवार के जो संयुक्त परिवार उसके सदस्यों में बहुत घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि उनमें आपस में बहुत होमोजेनिटी होती है, सजातीय, तो उनकी सोच जो होती है वो एक जैसी होती है। और कृषि कार्य से में लिप्त होते हैं तो उसके अंदर सभी जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनकी सहभागिता होती है। तो ग्रामीण परिवार के सदस्य कृषि कार्य अथवा कुटीर व्यवसाय में परस्पर सहयोग करते हैं। प्रत्येक दिन को वे व्यवहारिक रूप में साथ व्यतीत करते हैं, ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसका प्रत्यक्ष योग देता है। इसके विपरीत अगर हम नगरीय परिवारों को देखें तो उसके सदस्य अलग अलग व्यवसाय में लगे रहते हैं और ज़्यादातर समय वो अपने घर से बाहर रहते हैं और बहुत ही कम समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं। उनके लिए परिवार एक सिर्फ रात्रि विश्राम स्थल के समान होता है, लेकिन ग्रामीण परिवार में ज़्यादा घनिष्ठता देखने को मिलती है क्योंकि अधिकांश समय घर जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक ही व्यवसाय में लिप्त होने के कारण व्यावसायिक संबंध भी उनके अंदर होते हैं, पारिवारिक संबंध भी होते हैं और वहाँ पर उनके अंदर एक वैचारिक जो लिंक होता है, जो वैचारिक जो समानता होती है वो भी उनके अंदर संबंधों को घनिष्ठ करती है। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवार की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती हैं: संयुक्त परिवार, कृषि प्रमुख व्यवसाय, अनुशासन व अनुश्रुतता, सजातीयता, परिवार में मुखिया की सत्ता और घनिष्ठ संबंध। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चूंकि संयुक्त परिवार होता है और वहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है, तो जब संयुक्त परिवार होगा और कृषि प्रमुख व्यवसाय होगा तो वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर परिवार में एकमात्र एक व्यक्ति की सत्ता होगी तो वो लोगों के परिवार के लोगों को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश करेगा और जब वो एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश करेगा तो उनके अंदर क्लोज रिलेशंस पाए जाएंगे, घनिष्ठ संबंध पाए जाएंगे। और चूंकि उसकी सत्ता है, एक व्यक्ति की सत्ता है, तो वहाँ पर अनुशासन और अनुश्रुतता भी देखने को मिलेगी, इंटरडिपेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। तो ये ग्रामीण परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी।